राम राम आप सभी का स्वागत है आपका हमारे चैनल हलवाई साहब में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बनाएंगे छोले भटूरे और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर पर छोले भटूरे बनाते हैं लेकिन उनके भटूरे फूले फूले नहीं होते हैं या कचौरी की तरह एकदम फूल कर तैयार नहीं होते हैं। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि क्या डालने से और क्या करने से आपके भटूरे एकदम कचौरी की तरह फूल जाएंगे और उनमें फुलावट आ जाएगी। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। मैंने रात को छोले भिगो दिए थे और सुबह उठकर उनको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिए नमक और हल्दी डालकर और काफ़ी समय तक उनको बॉईल किए। फिर मैंने थोड़ा सा तेल लिया और उसमें मैंने राई, जीरा, हींग सब मसालों का झोंका लगा दिया और उस मसाले को अच्छी तरीके से पका लिया। और बाद में मैंने उसके अंदर कटिंग किए हुए प्याज ऐड कर दिए और उन प्याज को काफ़ी समय तक पका लिया। इस प्याज को हमें थोड़ी देर तक पकाना है, जब तक ये थोड़े ब्राउन ना हो जाए तब तक इनको पकाना है। और जब ये ब्राउन हो जाए पककर, थोड़े तैयार हो जाए पककर, तब तक इनको हम पका लेंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कटिंग की हुई हरी मिर्च, और हरी मिर्च और प्याज दोनों को थोड़ी देर और पकाएंगे। जितना ज़्यादा हम पकाएंगे उतनी अच्छी हमारे छोले की सब्जी बनेगी। सबसे पहले हम छोले ही बनाएंगे, ठीक है। और काफ़ी समय तक हम इनको पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटिंग किए हुए टमाटर। टमाटरों को बड़ी बड़ी साइज में कटिंग करना है, इसी तरह देख लो आप। और काफ़ी समय तक इसको पकाना है आपको। अच्छी तरीके से इन सब की पकाई करेंगे, सिकाई करेंगे हम। और जब ये थोड़े थोड़े सिक जाए और थोड़ी थोड़ी इनकी पकाई हो जाएगी तो इनमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, लेकिन इनको थोड़ी देर पकाने के बाद ये वो सारे मसाले हम ऐड करेंगे। ये देखो आप, टमाटर भी पक चुके हैं और प्याज और हरी मिर्च भी पक चुकी है, अच्छे से पक चुकी है हमारी ये सारे कटिंग किए। तो अब हम इनमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच और थोड़ी सी लाल मिर्च एक चम्मच, लाल मिर्च अच्छी क्वालिटी की एक चम्मच, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, वो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। ये सारे मसाले हमने जो डाले हैं इनको अच्छी तरीके से पकाना है, काफ़ी समय तक पकाना है, लमसम 5-10 मिनट तक पकाना है इसको। क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी हम इसको पकाएंगे ग्रेवी को, उतनी ज़्यादा टेस्टी हमारे छोले की सब्जी बनेगी। फिर हम मैशर लेंगे और को और इस टमाटर को अच्छी तरीके से मैश करेंगे और इसकी ग्रेवी बन जाएगी। ये देख सकते हो आप, इसी प्रकार टमाटरों को मैश कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी से ग्रेवी बन पाए। और जितनी अच्छी ग्रेवी होगी सब्जी उतनी शानदार बनेगी। और भटूरे के साथ तो छोले की सब्जी स्वादिष्ट हो तभी अच्छी लगती है। और मैश करने के बाद थोड़ी देर हम इस ग्रेवी को पका लेंगे 3-4 मिनट तक। फिर हम जो छोले भिगोए थे रात को, हमने उन कुछ छोलों को लेकर थोड़ा सा उनको मैश कर लेंगे। सभी छोलों को नहीं करना है, कुछ छोले थोड़े से, मतलब एक कटोरी छोले ले लेने हैं उनमें से, और कुछ इस प्रकार उन सभी को मैश कर लेना है। फिर हम वो मैश किए हुए छोले ग्रेवी में ऐड कर देंगे और थोड़ी देर 3-4 मिनट तक इसको भी धीमी आंच पर पकाएंगे। देख सकते हो आप, इसी प्रकार पकाना है आपको। फिर ये जब पककर तैयार हो जाए तो हमने जो छोले भिगोए थे और भिगोकर बॉईल किए थे वो छोले इसमें ऐड करेंगे। ये देखो आप, इसी प्रकार ऐड करना है और इनको अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ी देर तक इनको पकने देंगे सारे छोलों को, ताकि सब्जी हमारी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने। और ये देख सकते हो आप, सब्जी एकदम पककर तैयार हो चुकी है, कितनी शानदार दिख रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखो आप, छोले की सब्जी एकदम तैयार हो गई है हमारी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर जिससे थोड़ी खटाई आए, और थोड़ा सा छोला मसाला जिससे स्वादिष्ट बने।
और उन सबको डालकर मिला लेंगे। आप खटाई के लिए इसमें इमली भी डाल सकते हो, दही भी डाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो डाल सकते हो। और फिर हम इसको गैस बंद कर नीचे उतार देंगे और सब्जी रेडी हो चुकी है हमारी छोले की। अब कटिंग किए हुए हरे धनिया डाल देंगे। हरा धनिया अच्छी क्वालिटी का लेंगे, फ्रेश हरा धनिया लेंगे हम। और ये हमारी सब्जी एकदम रेडी है, छोले तैयार हो चुके हैं हमारे। देखो आप कितने शानदार छोले बने। और हम लोग शादी पार्टियों में भी ऐसे ही छोले बनाते हैं, तभी तो लोग अंगुलियां साथ में खा जाते हैं। भाई साहब हम हलवाई लोग ऐसे ही थोड़ी माने जाते हैं। ये देखो आप कितनी शानदार छोले की सब्जी बनी है। फिर मैं लूँगा 500 ग्राम मैदा और उसमें डालूँगा 1 चम्मच नमक और 1 पूड़ी इनोकी। और फिर मैं उसमें डालूँगा 1 गिलास दही, मतलब 500 ग्राम मैदे में 100 ग्राम दही। और 50 ग्राम मैं इसमें ऐड करूँगा तेल, ऑयल। और फिर मैं इन सबको मिक्स करके आटे की तरह लगा लूँगा। 500 ग्राम मैदे में देखो आप ध्यान रखना 50 ग्राम तेल, 100 ग्राम दही, आधी पूड़ी या 1 पूड़ी इनोकी और 1 चम्मच नमक और सूजी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम इसको मिलाकर आटे की तरह गोंद लेंगे अच्छी तरीके से। और ध्यान रखना आप सभी मेरी माताओं बहनों कि ये ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, कुछ इस प्रकार इसको गोंदना आटे की तरह, जैसे हम गेहूँ की रोटी बनाते आटा लगाते हैं ना, उसी प्रकार गोंदना है इसको अच्छे से। और गोंद कर कुछ इस प्रकार हम तैयार कर लेंगे। और फिर हम बाद में बनाएंगे इनके छोटे छोटे लोए, अच्छी मालिश करके लोए बनाएंगे और इनको एकदम गोल गोल पतले पतले बेल लेंगे। ये देखो आप, मैं एकदम गोल गोल बेल के दिखाऊंगा आपको, एकदम फिनिशिंग में गोल गोल। मेरे को अच्छे से गोल बेल नहीं आती है, देख लो मेरी प्यारी बहनों, आपसे भी ज़्यादा आपसे भी सुंदर मैंने बेल लिया है भटूरों को। और कुछ इस प्रकार बेलने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें फ्रेश तेल लेंगे और फुल आंच पर भटूरों को फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर भटूरे फ्राई नहीं होंगे, फुल आंच पर भटूरों को फ्राई करने हैं। और देखो मैंने फुल आंच पर डाल दिया है भटूरा तेल में फ्राई करने के लिए। और धीमे धीमे जारे की सहायता से इसको घुमाएंगे, पलट पलट करेंगे और दबाएंगे थोड़ा सा तेल में ताकि ये एकदम फूल जाए। और फुल आंच में ही भटूरे फ्राई करने हैं। और देखो मेरा भटूरा एकदम फूल कर तैयार हो चुका है, ये देखो आप। और मैंने ऐसे करके सारे भटूरों को फुल आंच पे फ्राई करूँगा और एकदम मेरा भटूरा कचौरी की तरह फूल जाएगा, उपस जाएगा एकदम। देखो कचौरी की तरह फूल कर रेडी होगा। जारे की सहायता से पलट पलट करके इसको पकाएंगे और ये देखो एकदम कचौरी की तरह फूल गया ना। तो आप भी घर पे मैंने जिस तरीके से आपको मैदा बताया था, मैदे में जो जो आइटम बताया था, जो जो सामग्री बताई थी, उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। हमेशा हर चीज़ नाप तोल के हिसाब से लोगे तो चीज़ बेस्ट बनेगी। ऐसे थोड़ी है 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया हर चीज़ बेस्ट बन जाएगी, नहीं। 500 ग्राम मैदे में मैंने आपको बताया था, उसी हिसाब से सारे आइटम या जो सामग्री है वो ऐड करनी है, तभी भटूरे एकदम फूल कर सॉफ्ट तैयार होंगे, नहीं तो आपके भटूरे नहीं फूलेंगे। और ये देखो कितने अच्छे से फूल कर हमारे भटूरे तैयार हो चुके हैं। और मैं ऐसे करके सारे भटूरों को पकाकर तैयार करूंगा। ये देखो एकदम कचौरी की तरह है ना, प्याज की कचौरी से भी ज़्यादा फूल चुका है ये देखो। क्यों सही है ना, कुछ फेक वीडियो तो नहीं है मेरा, देख लो आप, ओरिजिनलिटी है सारी। और इसी प्रकार मैंने सारे भटूरों को फ्राई किया है और देख सकते हो एक भी भटूरा ऐसा नहीं है कि फूला नहीं है, सारे के सारे भटूरे एकदम फूल कर तैयार हुए हैं। और आप भी घर पर ऐसे ही ट्राई करना और ज़रूर देखना आप, इस बार अच्छा बनेगा। और इसी प्रकार मेरे छोले और भटूरे तैयार हुए हैं। और ये देखो आप मेरी रेसिपी रेडी है और मेरी डिश रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा और
बेस्ट लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट करके बताना कोई कमी लगे तो, और कुछ भी आपको कमी लगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लाऊँगा और नई नई डिशेज आपको बताऊँगा, एकदम सरल और बढ़िया अच्छी तरीके से आपको समझा दूँगा हर एक चीज़। और ये देखो कितना शानदार छोले भटूरे तैयार हुए हैं, ये प्लेट आपके लिए तैयार है, आइए और खाइए। धन्यवाद।